एक ना एक दिन ईश्वर भी उनको जरूर सजा देगा। हमारी तो यही अपील है ईश्वर से। और भी गंभीर बात है जो विधायक महोदय ने कहा कि शायद जिंदल के हाथों ये प्रशासन, इसी वजह से नहीं तो समस्या का समाधान होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। लेकिन आज 13वें दिन तक भी प्रशासन को कुछ नहीं सूझ रहा है। जो अशोक गहलोत की सरकार है, उस अशोक गहलोत की सरकार को अपना मुख्यमंत्री का पद बचाने से फुर्सत नहीं है। कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं है। बलात्कार की घटनाएं कितनी हो रही है हम सब जानते हैं। आए दिन चोरी डकैती, जिसके बस में नहीं है कि वो कानून व्यवस्था की पालना कराए। और इसका उदाहरण है मंदिर मस्जिद कोई ना छूटे, स्कूल अस्पताल सब के जाकर के जैसा कि कहा गया कि सारा मुआवजा जो है जिंदल शाह लिमिटेड से लेना चाहिए। देखिए जिस तरह से पुर के आसपास और पुर में अवैध माइनिंग हो रही है, पर्यावरण की चीज़ों को ध्यान में बगैर रखे माइनिंग हो रही है, उसको लेकर जो कुछ पुर में हुआ है, पुर के आसपास हुआ है, वो आप सबको भी पता है। और उसको लेकर के माननीय विधायक महोदय और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता ये कहते हैं पिछले 13 दिन से बैठे हैं। और निश्चित रूप से जो जान माल की हानि हुई है, जो मकानों की क्षति हुई है, जब तक उसका मुआवजा प्रॉपर तरीके से उचित दर पर नहीं मिल जाता तब तक ये धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। और प्रशासन यदि नहीं मानता है तो हम आंदोलन का स्वरूप को और बदल सकते हैं, उसका स्वरूप और कोई दूसरा तरीका कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये तो तय है कि प्रशासन को ये मानना पड़ेगा। और मानने के साथ साथ में जिंदल से हमारा ये भी मांग है कि जो भी मुआवजा बने वो जिंदल दे, ताकि सरकारी खजाने से दिया जाए। क्योंकि ये जो अपराध किया है, ये जो दोष है, ये जिंदल का दोष है, ना कि जो सरकार का है। सरकार का दोष इतना है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की। पिछले एक साल से विशेष रूप से ये समस्या आई है, जब लोगों के मकानों में दरारें आने लगी हैं तब ये समस्या ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए इस बात को लेकर के ये विशेष दोष है लोगों में कि इस समस्या का तो तत्काल समाधान होना चाहिए। और पर्यावरण को ध्यान में रखकर के, कायदे कानूनों को ध्यान में रखकर के कि किस तरह से उनको खनन करना है। खनन के बहुत सारे तरीके होते हैं, खनन की लेटेस्ट मशीन आई है उनसे भी हो सकता है। लेकिन अपने पैसे की बचत करके परंपरागत रूप से जो पुराने ज़माने में खनन होता था उस तरीके से जिंदल कर रहा है, उस तरीके के कारण से सारी की सारी परेशानी है। और वो परेशानी वहाँ तक समाप्त नहीं हो जाती जब तक ये जो धरना है, जो प्रदर्शन है, जो सरकार के खिलाफ जो भी कार्यक्रम है वो चालू रहेगा। देखिए पहले तो चूंकि ये अलॉटमेंट जो है ये राजस्थान सरकार ने किया, उस समय जब राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी थे उसी समय ये अलॉटमेंट हुआ था। और अलॉटमेंट भी कुछ तथ्यों को छुपाते हुए किया, चारा का भूमि को दे दिया, चारा का भूमि जबकि नहीं दे सकते थे। उसको लेकर के जब तक राज्य सरकार अपनी कुछ तय नहीं कर ले कि हाँ हमने गलत किया, पहले राज्य सरकार से और उसके बाद में हम पैरेलली यदि ये नहीं मानेंगे तो फिर हम ये सारा विषय जो है दिल्ली के सामने भी हम प्रस्तुत करते हैं।